नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। मौजूद है झांसी के कचहरी के अंदर। कचहरी के अंदर चुनावी मेला जोरों शोरों से चल रहा है, तो हर प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बैठे हैं अनिल कुमार साहू एडवोकेट, ये भी चुनावी मैदान में, ये इनका पद है वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर। साहू जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जानते हैं साहू जी से कि आखिरकार क्या तैयारी है। साहू जी, क्या तैयारी है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद आपने क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया क्लब झांसी मीडिया कर्मी, मेरे पत्रकार बंधु, मैं आप सबको सा धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे कचहरी प्रांगण का बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं और बाकी बहुत अच्छा कवरेज दे रहे हैं जनमानस में। देखिए, मेरा नाम है अनिल कुमार साहू एडवोकेट, पूर्व वरिष्ठ सदस्य जिला अधिवक्ता संघ झांसी। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि पूर्व 2019-20 में मैं वरिष्ठ सदस्य जिला अधिवक्ता संघ झांसी का चुनाव बहुत अधिक मतों से आपके आशीर्वाद से जीता था, और उसी क्रम में मैं आज आपके सामने आपकी सेवा में समर्पित हूँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए। जैसा कि भैया ने कहा है कि आपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद क्यों चुना, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि देखिए, मेरे जितने भी विद्वान अधिवक्ता साथी हैं वो अपने आप में खुद एक मिसाल होते हैं, और वो हजारों लोगों की परेशानियों को ओढ़े रहते हैं और स्वयं उसको हल करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बावजूद भी वो कई लोगों से कहते हैं, बताइए आपकी क्या परेशानी है, तो मैं क्या उनकी परेशानी हल कर सकता हूँ, वो तो मेरे खुद ही अधिवक्ता साथी हैं। लेकिन हाँ, फिर भी एक ताकत, आपका एक समूह, एक यूनियन की संगठन, वो अपने आप में एक बहुत मायने रखती है। इसीलिए मैं आपको अवगत करा दूं, मैंने ये पद इसलिए चुना कि बहुत वर्षों से, काफ़ी वर्षें हो चुकी हैं, हमारे वकील भाइयों के लिए यहाँ पर कोई कॉलोनी नहीं है। साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे बड़े बड़े शहरों में अन्य जगह पत्रकार कॉलोनी है, वकील कॉलोनी है, लेकिन झांसी में कोई कॉलोनी नहीं। ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि मेरे वकील साथियों के लिए एक सरकारी स्तर पर कॉलोनी मुहैया कराई जाए, जिस पर हमारे वकील साथी उसमें अपना आश्रय बना सकें। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि हमारे वकील साथियों के बच्चे पढ़ाई के लिए बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलता। CBSE में, ICSE में, केंद्रीय विद्यालयों में कोई उनको टारगेट नहीं है, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं। क्यों? तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे वकील साथियों के लिए कोटा तैयार किया जाए, जैसे रेलवे के और राज्य कर्मचारियों के लिए कोटा होता है और उनको एडमिशन दिया जाता है केंद्रीय विद्यालयों में, ऐसे हमारे वकील साथियों के बच्चों को भी मौका दिया जाए, जिससे कि वो उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। तीसरी बात, मैं आपको और अवगत करा दूं, यदि मेरे विद्वान अधिवक्ता साथियों ने मेरा सहयोग दिया और साथियों आपने मुझे उस पद पर आसीन कराया, और वास्तव में यदि आपने ताकत मुझे दी, तो साथियों मैं आपके हित में लगाऊंगा और उससे आपका हित दिन दूनी रात चौगनी करूंगा। क्योंकि आपको बता दूं कि जैसे VIP अफसर या बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद, सारे लोग जाते हैं, उनका वाहन होता है, उनका अपना एक गारद होती है, सब कुछ व्यवस्थित होता है। इसी प्रकार से मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे अध्यक्ष, मेरे महामंत्री जी, मेरे अन्य साथी जितने भी चुनाव रणनीति में जीत करके आए, एक उनकी पर्सनल गाड़ी हो जिला अधिवक्ता संघ झांसी की, उनका गनर हो, और बाकायदे वो उसमें साथ सज्जा कर आराम से कहीं पर जाते हैं तो फिर लगेगा कि जिला अधिवक्ता संघ झांसी उपस्थित हुआ है और आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। तो साथियों, मैं और अधिक ना कहते हुए बस आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं एडवोकेट अनिल कुमार साहू वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु आप अधिक मतों से विजय प्रदान कराइए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शानदार सोच के साथ अनिल कुमार साहू ने रखा है कि अधिवक्ताओं को आवास होना चाहिए, पत्रकारों को आवास होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है कि इसी मुहिम को लेकर अनिल कुमार साहू जी मैदान में उतर चुके हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लेकर। अब देखने वाली बात है कि अधिवक्ता परिवार कितना सम्मान इनको वोट देने का काम करेगा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जीत कर अनेक समस्याओं को निदान करने का काम अनिल साहू जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।